क्या आपके मोबाइल के सेटिंग गड़बड़ाया हुआ है और आपसे सही करना नहीं आता है कि किस तरीके से अपने मोबाइल की सेटिंग को सही करें, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल की सेटिंग गड़बड़ा चुका है, फंक्शन इधर से उधर हो चुका है, तो वो उसको आप कैसे बहुत ही ईजी तरीके से सही करेंगे। सुभाष, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल की सेटिंग को कैसे सही करेंगे। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको मोबाइल दुकान में जाके उसको सही करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन में मोबाइल दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 100 से 150 रुपया ले लेगा और वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके मोबाइल की सेटिंग गड़बड़ हो चुका है। नहीं आपके मोबाइल में टावर आता है, नहीं वाइब्रेट ऑन होता है, नहीं रिंगटोन बजता है, तो बहुत सारे कुछ है जो आपके मोबाइल के सेटिंग में ही होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा किस तरीके से अगर आपके मोबाइल के सेटिंग को गड़बड़ हो चुका है, ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर बनना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से अपने मोबाइल की सेटिंग को कैसे आप सही कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल की सेटिंग गड़बड़ा चुका है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल की सेटिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। तो इस तरीके से सेटिंग को ओपन कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो ज़्यादातर इंसानों के मोबाइल में यह हो ही जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि साउंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसमें से वाइब्रेशन या साउंड या मूड आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रिंगटोन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। जितने रिंगटोन रहेंगे आपके मोबाइल में वो सारे के सारे आ जाएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जो वाला भी क्लिक कीजिएगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरे केस में यही है तो मैं यहीं रहना देता हूँ। इस तरीके से बैक आएंगे, यहाँ नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो इसमें से आप नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप जो है ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन साउंड, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या कुछ भेजता है, कोई कुछ आता है तो यहाँ पर इसको सेटिंग कर सकते हैं। मैसेज नोटिफिकेशन पर जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ऑन है तो इसको आप इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन साउंड है तो इस पर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन का साउंड आप डाल सकते हैं या आप इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से ये बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि टच साउंड, अगर आप जो कुछ टैपिंग करते हैं तो वो जो है साउंड हो या ना हो, तो इस यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ऑफ कर रखा हूँ, तब इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से स्क्रीन लॉक साउंड है, अगर आपका स्क्रीन जो बंद होता है तो यहाँ पर ऑफ ऑन आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग साउंड है, अगर आप चार्ज करते हैं तो यहाँ पर साउंड होना चाहिए, आवाज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ से ऑफ ऑन। इसी तरीके से डायलिंग कीपैड टोन है, आप इसको अभी डायलिंग जो कर रहे हैं उसको जो बजेगा या नहीं बजेगा वो आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक कीबोर्ड साउंड है, अगर आप जो है मोबाइल वगैरह कुछ टाइपिंग करते हैं, किसी को कुछ लिख के भेजते हैं तो वो जो यहीं पे है दिख रहे हैं कि कीबोर्ड साउंड है, मतलब आप कुछ टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, कोई मैसेज आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जो है बजना चाहिए। तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि बजे या नहीं बजे, अगर चाहते हैं बजे तो यहाँ पर आप इसको ऑन ही रहने देंगे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बजे तो इसको आप इस तरीके से ऑफ कर देंगे। चलिए हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। इस तरीके से हम फिर से यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है, कोई पर्सन को परेशान कर रहा है तो यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से ऑन ऑफ कर देंगे और यहाँ पे जो है उसका जो है ऑफ हो जाएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो आपको डू नॉट डिस्टर्ब का जो है आपको इस तरीके से परमिशन दे देना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले का है जो सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले का लाइट यहाँ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, देखिए कितना बढ़ गया, या इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। आउटडोर मोड को आप यहाँ पे देखिए ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आप टाइपिंग लिख रहे हैं तो वो जो है कितना होना चाहिए, बड़ा छोटा या आपका दूसरा डिजाइन का टाइपिंग होना चाहिए, वो आप इसमें से इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। और जो टाइपिंग कीजिएगा तो इसी समय से आपको वहाँ पर लिखा के आएगा जब आप टाइपिंग कीजिएगा आप कीबोर्ड में जाके। तो चलिए हम यहाँ से डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, सिंपली यहाँ से जो है हम डन वाले पे क्लिक करके बैक आ जाते हैं।
सकते हैं। यहाँ पे आइकन फ्रंट, जो आपके मोबाइल पर आइकन जो इस तरीके से बने होते हैं, इसको आप कौन सा फ्रेम में रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आइकन ओनली या आइकन विथ फ्रेम, तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन टाइम आउट, आपको जो है स्क्रीन का आप अगर आप मोबाइल रख देते हैं तो कितने देर के बाद आपका मोबाइल जो है, मोबाइल की जो रोशनी है, मोबाइल में जो लाइट जल रहा है, वो कितने देर के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं करके रखा हूँ 30 सेकेंड। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर करके देखिए 2 मिनट, इस तरीके से 2 मिनट हो गया, फिर इस तरीके से 5 मिनट कर सकते हैं, इस तरीके से आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। और मोबाइल जो आप रख लेते हैं तो आपको 10 मिनट तक जो है आपका मोबाइल का जो लाइट है वो जलता ही रहेगा। चलिए हम यहाँ पे कम ही रहने देते हैं, 30 सेकंड बहुत हो जाता है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर पे जाकर इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आपका जो है स्क्रीन वो सेव हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से जो बैक आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको वॉलपेपर है, अगर आपके अपने मोबाइल में डिस्प्ले में कोई भी वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रॉम गैलरी है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो है इसको जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आप रखना चाहते हैं फ़ोटो, तो फोटो पर ही आपको क्लिक कर देना है, और जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरीके से फ़ोटो पर रखिएगा। और अब फोटो पर क्लिक करने का परमिशन मांगेगा, तो इस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आ चुका है इस तरीके से फोटो, आप फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा और नीचे देख रखा है सेट एस वॉलपेपर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो डिस्प्ले पर ये फोटो अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फनी कलर लाइन्स का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है लाइन्स आपको यहाँ पर चलता हुआ शो करेगा। तो आप जो है ये सेट करते हैं तो आपके डिस्प्ले पे इसी तरीके से आपको शो होगा। सेट एस वॉलपेपर क्लिक करके आप जो है इसको सेट कर सकते हैं, तो आपके डिस्प्ले पे यही सब जो यहाँ पे देख रहे हैं चल रहा है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको चलता हुआ शो होगा। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और इस तरीके से हम यहाँ से फिर से यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा थीम्स का, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके मोबाइल पर थीम्स वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मोर थीम्स पर क्लिक करके और भी यहाँ थीम्स लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पर जो होम स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन है, यहाँ पर देखिए वॉलपेपर, यहाँ वेट्स, यहाँ थेम्स, यहाँ स्क्रीन ग्रिड, जो भी आप जहाँ यहाँ 4x4, यहाँ 4x5, 5x5, जो भी आप ग्रिड रखना चाहते हैं आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक करके आप जो है यह अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से जो बैक आया, यहाँ पर देखिए लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपको स्क्रीन लॉक टाइप है, इस पर क्लिक करके आप कौन सा अपने स्क्रीन का लॉक रखना चाहते हैं ताकि कोई पर्सन आपके मोबाइल को नहीं ओपन करे, नहीं खोले, तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड लॉक स्क्रीन का। आप यहां पे पहले आप इसको जो भी ऐप का है नोटिफिकेशन चाहते हैं वो आप यहां से इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं, तो जिसका भी आप यहां पे ऑन किए रहिएगा उसी का नोटिफिकेशन आएगा, और जिसको इस तरीके से ऑफ कर दीजिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको खुद से अपने ऐप के अनुसार से यहाँ पे इसको सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए अदर सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आप जो है सिम कार्ड को लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे मेक पासवर्ड विजिबल कर सकते हैं, ऑफ ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने अनुसार से यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पे क्या सब है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोकेशन ऑफ ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है प्रिंसिप मोड आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे इजी मोड है, इजी मोड पर क्लिक करके इसको सेटिंग कर सकते हैं, एसेबिलिटी पे सेटिंग करके कर सकते हैं। अकाउंट जो है आपको यहाँ पे आ जाता है, अकाउंट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आप जो भी गूगल अकाउंट बनाए हुए हैं वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, दूसरा अकाउंट लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप जो देखिए बैकअप माई डाटा, आप अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, जो भी आप डाटा का बैकअप होगा वो आपको यहाँ पे बैकअप कर लेना है। रीस्टोर कर सकते हैं अपने मोबाइल को यहाँ से, अपने मोबाइल को यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए बैकअप माई डाटा भी, यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ बैकअप अकाउंट है आपका, ये अकाउंट से आपको जो है डाटा चल रहा है तो ये अकाउंट को आप जो है चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप जो भी अकाउंट रखना चाहते हैं वो अपना अकाउंट इसमें से चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सा अकाउंट रखना चाहते हैं। यहाँ पर रीसेट सेटिंग है, अपना जो है मोबाइल के यहाँ पे से रीसेट कर सकते हैं इसको क्लिक करके। यहाँ पर देखिए रीसेट नेटवर्क, आपका जो मोबाइल है अगर आपका मोबाइल में जो नेटवर्क नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके अपना जो SIM 1 SIM 2 इस तरीके से करके यहाँ रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके आप उसको सेटिंग कर सकते हैं, 1 टू में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा और आपकी
पास जितना अकाउंट बना रहेगा, जीमेल अकाउंट, गूगल का अकाउंट, वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ईमो, फेसबुक या अदर कोई भी ऐप जो है अपने मोबाइल में आप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चला रहे हैं, वो सारा का सारा जो है आपका जो है ऐप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पर रीसेट डिवाइस पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल नया की तरह हो जाएगा जिस टाइम आप नया मोबाइल लाते हैं खरीद के, और क्लियरली वो साफ रहता है, उसमें कोई अदर कोई दूसरा ऐप नहीं रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका यहाँ पे रीसेट डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल जो है फॉर्मेट हो जाएगा, डिलीट होकर हट जाएगा। और यहाँ पे जितने दिख रहे हैं आपका जो है यहाँ पे ईमेल आ रही है, वो सारा सारा भी यहाँ से आपको डिलीट हो जाएगा और हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रू कॉलर है, स्क्राइप है, यहाँ पे नीचे ईमो, व्हाट्सएप है, वो सारा कुछ आपको यहाँ से हट जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल नया हो जाएगा जैसे आप खरीद के लाते हैं। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो आपका मोबाइल जो गड़बड़ होता है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको यहाँ से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको देखना है कि आपके जो मोबाइल है वो कितना स्टोरेज का है तो यहाँ स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मतलब आपके मोबाइल के जो अंदर की क्षमता है वो कितना है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं 16 GB का है, और SD कार्ड आपका कितना है यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 GB का है, बट यहाँ पर 29.80 GB दिखा दे रहा है। तो इस तरीके से गया जो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने मोबाइल को अनमाउंट और माउंट भी इस तरीके से कर, इस तरीके से गया जो आपको पता चल जाता है कि आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज कितना है और SD कार्ड लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। अगर लगाए हुए हैं तो आपके SD कार्ड का जो है इंटरनल स्टोरेज कितना, तो आपको वो भी यहाँ पता चल जाता है। सो आज इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में सेटिंग गड़बड़ हो चुका है तो आप अपने मोबाइल को बहुत ही ईजी तरीके से खुद से ही कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान वाले के पास जाके 100-150 रुपये, 200 रुपये खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरीके से मोबाइल की सेटिंग को सही किया जाता है। सो गाइस अब तो आप ये सीख ही लिए होंगे कि किस तरीके से अगर मोबाइल की सेटिंग गड़बड़ हो जाता है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं बिना दुकान में जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना पैसा खर्च किए, खुद से ही घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।